इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन विराजमान श्री श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, प्रभु महावीर की महागाथा का गान अव भाव से सुनने वाले श्रद्धालु श्रोतागण, साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर बहुत सारे वायरस स्लीपिंग पोस्चर में वो एक्टिव हो गए तो मनुष्य का जीवन बहुत खतरनाक हो जाएगा। अभी वो एक्टिव नहीं, सत्ता में पड़े हुए, सोए पड़े हुए। ऐसे ही कर्म के और बंध के जो 11 अवस्थाएं बताई गई है, कर्म की कितनी अवस्था बताई गई है आप केवल दो ही जानते हैं, कर्म बंध और कर्म फल। अवस्था कितनी है? 11। कर्म सत्ता में पड़ा रहता है, सत्ता में का मीनिंग है स्लीपिंग स्टेट है कि नहीं पता ही नहीं चलता है, वो है लेकिन उसका कोई आसर नहीं होता तो आदमी को लगता कि नहीं है। और परमात्मा कहते हैं जो पता नहीं चलता है उसको पता चलने के पहले ठीक कर दो तो पता चलने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारा धर्म पूरी साधना एक बिंदु पर छिपी हुई है, जिस बिंदु को नहीं छूने के कारण से धर्म का जीवन में हम करते हुए भी आनंद नहीं ले पाते। दो चीजों से बना हुआ, एक प्रगट है एक अप्रगट है, एक व्यक्त है एक अव्यक्त है, एक दिखता है एक नहीं दिखता है। जैसे पेड़ सामने है, पेड़ दिखता है लेकिन इस पेड़ का अस्तित्व जो दिखता है उस पर है कि जो नहीं दिखता उस पर है? ये जो नहीं दिखता है उसको समाप्त कर दो तो जो दिखता है वो दिखेगा क्या? ऐसे ही जीवन के वैर के संबंध, कर्म के बंध छिपे हुए रहते हैं और उस समय उनको समाप्त करना बहुत आसान होता है। उस समय उस पर वर्क करना बहुत ईजी होता है, इसलिए मेडिकल साइंस कंटिन्यू परमात्मा के इस थ्योरी को अननोइंगली फॉलो कर रहा है। इसके पहले ट्रीटमेंट होती थी, बीमारी जब सामने आएगी तब आप जीनेटिक थेरेपी चली हुई है कि जीव गर्भ में है उसी समय उसका जेनेटिक कोड को पढ़ा जाए और पता चल जाए कि इसको कौन सी बीमारी होने वाली है तो उसी समय उसके जेनेटिक कोड में चेंज किया जाए और वहां बहुत आसान है, बहुत आसान है वहां पर, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, वो बीज के रूप में। और आप जानते हो एक पेड़ को जलाना हो तो बहुत मेहनत लगती है लेकिन एक बीज को जलाना हो तो कितनी ताकत लगेगी? ये जो वैर के अनुबंध और कर्म है, दो चीजें कह रहा हूं, एक वैर के बीज उसको वैर का अनुबंध कहते हैं और एक कर्म का सत्ता में रहना है। जैसे अभवी जीव नवे ग्रहवेग तक जाता है और नवे ग्रहवेग तक वही जा सकता है जिसके पास संजुलन कषाय हो। कौन सा कषाय हो? और अभवी के पास अनंतानुबंधी कषाय होता है।
लेकिन वो अनंत अनुबंधी कषाय कैसे होता है? सत्ता में पड़ा रहता है। किसमें? सत्ता में पड़ा रहता है। और प्रत्याख्यान होने कषाय उसका सत्ता में पड़ा हुआ है। प्रत्याख्यान होने कषाय उसका किसमें पड़ा है? सत्ता में पड़ा है। तो जो सत्ता में पड़ता है वो जब एक्टिव होता है तब पता चलता है कि क्या है। जब वो तक सोया हुआ है मौज कर लो। और भवी जीव क्या करता है? जो सत्ता में पड़ा हुआ कषाय है उसको सत्ता में ही समाप्त करता है कि वो सत्य नहीं बन पाए। दो शब्द पकड़ोगे, एक सत्ता है एक सत्य है। वो सत्ता प्रकट हो गई कि जीवन का सत्य बन जाता है। वो सत्ता सत्य नहीं बने उसके पहले उसको समाप्त कर दो। चाणक्य के जीवन का एक प्रसंग है, बड़ा गजब का प्रसंग है, बचपन का प्रसंग है। चाणक्य के दांत जो है बड़े सुंदर थे बचपन में। उस दांत को देख करके उसकी मां रोने लगी। दांत कैसे थे? सुंदर थे, शुभ लक्षणी दांत थे, बड़े गरीब बड़े गौरवस्पद दांत थे। और मां को रोते हुए देख करके बेटे ने पूछा, मां क्यों रो रही है? बोले, बेटा तेरे दांत बता रहे हैं कि तू राजा बनेगा। क्या बनेगा? तू राजा बनेगा। और तू राजा बनेगा तो नरक में जाएगा। क्या मां की सोच होती है? नहीं तो आज की मां को उसका राजा बना देख करके खुशी हो जाती है। मैं तुझे नरक में नहीं देखना चाहती हूं, तेरा नरक देख करके मुझे रोना आ रहा है। और चाणक्य बाहर गया और जो दांत पर दांत आया हुआ था जाकर के एक पत्थर पर अपना जबड़ा मारा, वो दांत तोड़ दिया, लुलुहान हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ मां के पास पहुंचा कि मां मैं अब राजा नहीं बनूंगा, नरक में नहीं जाऊंगा, खुश हो जाए। कि जिसके कारण से मैं राजा बनने वाला था वो दांत मैंने तोड़ दिया है। जैन धर्म सारी इन बातों पर काम करता है। मूलतः जो जिन शासन है वो उस पर काम करता है कि बीज निर्दग्ध कर्म बीजानाम, कर्म के बीज समाप्त करो। फल से लड़ोगे काम नहीं चलेगा। विश्वभूति मुनि तपस्या के फल देख रहा है। कल आप सुन रहे थे कि तप साधना उसके कितनी आगे बढ़ी कि कई चमत्कारिक शक्तियां, लेकिन वो उसमें उलझा नहीं है, लेकिन है उसके पास। मैं रुका हूं कि हम बाप को पकड़ लो, उसका उपयोग नहीं कर रहा है लेकिन उसके पास है। और परमात्मा कहते साम पास में रख मत, पास में, कि पास में रहेगा तो कभी न कभी उपयोग करेगा, रहेगा नहीं तो उपयोग नहीं करेगा। बाजार में भाव बढ़ने के लिए लोग इंतजार करते हुए माल गोदाम में रखते हैं। जिसके गोडाउन में माल नहीं है वो तेजी होगी कब इसका इंतजार करेगा क्या है? और तेजी होगी तो भी उसके काम में आएगी क्या है? तो ये जो गोडाउन में माल है ना, परमात्मा के तो ये गोडाउन में माल ही मत रख। गोडाउन में माल नहीं रहेगा
तो सिचुएशन कैसी भी आएगी तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। और हम गोडाउन में माल रखते हैं। गोडाउन का माल बड़ा खतरनाक है, इसको सत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सत्ता में पड़ा हुआ है, यूज में नहीं आ रहा है। एक बार चेक करो, आप भी चेक करो, बेने भी चेक करें, अलमारी में कितनी साड़ियां सत्ता में पड़ी हुई है। एक बार अलमारी के सामने खड़े होकर के देखे किसमें से कितनी साड़ियां अगले साल में काम में आने वाली है। अब काम में नहीं आ रही है, काम में आने की संभावना भी बहुत कम है। और ऐसे समय में उसमें से तुम्हारे घर की नौकरानी कोई एक साड़ी लेकर के चुरा करके लेकर के जाए तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? वो सत्ता में पड़ी थी, और सत्ता में नहीं रहती तो पड़ी है कई करे वहां, पड़ी है करे करे, अरे पड़ी है, लेकिन जरा वहां एक्टिव हुई ना, जरा कहीं नहीं कर सके ना। विश्वभूति मुनि भगवान महावीर की चेतना मास्कमन मास्कमन का एकांतर कर रही है। आप उसको वैशाखनंद की याद नहीं आते, कल का सूत्र फिर याद रखो, वैशाखनंद की याद नहीं आती है, लेकिन वैशाखनंद को वो प्यार भी नहीं करता है। क्षमा का मीनिंग क्या है? प्यार। तुम प्यार नहीं करोगे तो उसकी आज नहीं कल दुश्मन बनने की संभावना पक्की है। तुम प्यार नहीं करोगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तुम उस पर गुस्सा करोगे ही करोगे। आज नहीं कर रहे हो, इसलिए भगवती सूत्र में गया बड़ा गजब का सवाल पूछा कि जियो जीव सपने में भी पाप नहीं करता है, पाप के सपने भी नहीं देखता है, लेकिन जिसने पाप के पचकान नहीं लिए, क्या नहीं लिए है, अब उसका मन में पाप नहीं है, वचन में पाप नहीं, काया में पाप नहीं है, लेकिन उसने पाप के पचकान है, मतलब इसका मतलब क्या, पाप को छोड़ा नहीं, पाप कर नहीं रहा है, परमात्मा से इंद्रभूति गौतम ने पूछा, सुमिने भी पावम न पसई, सपने में भी पाप नहीं देखता है, क्या उन जीव को पाप कर्म का बंध होता है? परमात्मा ने कहा होता है। वो शौक लगे हैं, उसके मन में पाप नहीं, उसके वचन में पाप नहीं, उसके क्रिया में पाप नहीं, उसके सपने में पाप नहीं, फिर पाप क्यों लगता है? बोले पाप कर नहीं रहा लेकिन पाप को छोड़ा नहीं है। आप बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन पार्टनरशिप आपने ब्रेक नहीं करी है, तो उस बिजनेस की जिम्मेदारी आप पर आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पाप के साथ की पार्टनरशिप ब्रेक करो, वर्किंग नहीं कर रहे ना, ब्रेक करो। और ब्रेक करने को कहते हैं पचकान लेना, और जो पचकान नहीं लेते हैं वे पाप के साथ की पार्टनरशिप कंटिन्यू रखते हैं। विश्वभूति मुनि गोत्री के लिए पारने के लिए चले, विशाखनंदी वहां पर आया हुआ है स्वयंवर के लिए। विशाखनंदी के कर्मचारी बाजार में घूमने के लिए गए और सामने से आते हुए विश्वभूति मुनि को देखा, दुबली पतली काया, तेजो मेश चेहरा, वे आंखें, और विश्वभूति के ललाट पर बाएं बर्थ राज तिलक था।
जन्म से ही तिलक था, बाकी पहचानने जैसा कुछ नहीं बचा था। लेकिन वो तिलक देखा और कर्मचारियों के मन में विश्वभूति मुनि के प्रति भक्ति उमड़ करके आ गई। उनको लगा कि क्या एक समय ही हमारा राजा के प्यारा था, आज योगी राज है। वंदन किया, नमन किया, वो भाव से वंदन नमन किया। और कर्मचारी ने सोचा कि अपने राजा को कह दे कि आपका भाई जो बहुत सालों से आपने जिसको देखा नहीं, जो योगी बन चुका है, उस योगी राज के हमने दर्शन करे हैं और वो इधर ही आ रहा है। विशाख नंदी को कहने के लिए गए। मैं छोटा सा आग्रह कर रहा हूं आपसे, यदि आपके आसपास में कोई विशाख नंदी हो तो उसको खबर मत करना। जयंती श्राविका ने परमात्मा से पूछा कि जीव सोया हुआ अच्छा कि जागा हुआ अच्छा है, और परमात्मा ने जवाब दिया कि विशाख नंदी सोया हुआ अच्छा, विश्वभूति जागा हुआ अच्छा। विशाख नंदी को जगाओ मत, ये जब तक सोया है तब तक घर में शांति है, ये जाग गया कि उद्योग करेगा। और विश्वभूति को सोने मत दो, कि जब तक ये जागा है तब तक दुनिया का कल्याण करेगा। तो आसपास में कोई विशाख नंदी जैसा जीव हो ना, तो उसको नींद की गोलियां देकर के सुला दे रहो, उसको जगाओ मत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।